दोस्तों प्ले स्टोर तो हम सभी के फोन के अंदर होता है, जिससे कि हम कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं या फिर कोई भी ऐप अपडेट करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे फोन में जो प्ले स्टोर है उसके अंदर एक ऐसा हिडन सेटिंग्स है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने फोन के स्टोरेज को 50% तक खाली कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 50% तक खाली कर सकते हैं, क्योंकि प्ले स्टोर एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि हम सभी के फोन के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आप एक एंड्रॉयड यूजर है तो आपके फोन के अंदर प्ले स्टोर एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा हिडन सेटिंग्स होता है जो कि आपके फोन के स्टोरेज को बहुत ज्यादा कंज्यूम करके रखता है। तो आपको उससे खुद से सेटिंग्स करना होगा, उसके बाद जो आपके फोन का स्टोरेज है काफी ज्यादा खाली हो जाएगा। उसके लिए आपको कोई भी अपने फोन से फोटो डिलीट नहीं करना है, ना ही कोई वीडियो, और ना ही अपने फोन से कोई भी एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करना है, फिर भी आप अपने फोन के स्टोरेज को 50% तक खाली कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपने फोन के अंदर कुछ नया सेटिंग्स करना होगा। तो सेटिंग्स कौन सा है, उसे कैसे यूज करना है, तो वीडियो को जरा सा स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए उस सेटिंग्स के बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो चलिए मैं टाइम स्टे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं टेक शिवम सोन यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, उस सेटिंग्स के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से आप अपने फोन के स्टोरेज को खाली कर सकते हैं, वो भी बिना कुछ डिलीट के हुए। आपको अपने फोन से कुछ भी नहीं डिलीट करना है, फिर भी आप अपने फोन के स्टोरेज को खाली कर सकते हैं। तो जैसा कि आप अपने फोन में कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं और उसे अगर आपको अपने फोन से डिलीट करना होता है तो डायरेक्टली आप होल्ड करते हैं और यहां से अनइंस्टॉल करते हैं। लेकिन आप ये समझ रहे होंगे कि मैं अपने फोन से जो एप्लीकेशन डिलीट किया हूं वो हमारे फोन से हट गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपके फोन में जो प्ले स्टोर है ना, उसके अंदर एक सेटिंग्स होता है और उसके अंदर ही वो एप्लीकेशन जाकर स्टोर हो जाता है। वैसे आपके फोन में कितने एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते होंगे, कितने अनइंस्टॉल करते होंगे, सारा आपके फोन में जो प्ले स्टोर होता है उसमें जाकर स्टोर हो जाता है और आपके फोन का जो स्टोरेज है बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाता है। तो उसके लिए आपको अपने फोन के प्ले स्टोर के अंदर कुछ नया सेटिंग्स करना होगा। तो कैसे करना है, तो यहां पर आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको अपने फोन के प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद ऊपर में आपको एक प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, डायरेक्टली आपको प्रोफाइल पर टैप करना है, ठीक है। टैप करने के बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है मैनेज ऐप एंड डिवाइस। यहां पर आप देख सकते हैं, डायरेक्टली आपको मैनेज ऐप एंड डिवाइस के अंदर आ जाना है, ठीक है। उसके बाद ऊपर में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ओवरव्यू का और मैनेज का। तो आपको डायरेक्टली करना क्या है, मैनेज पर यहां पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है इंस्टॉलेट का। यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आपके फोन में जितने भी एप्लीकेशन है वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इस पर आप जैसे ही टैप कीजिएगा, टैप करने के बाद नीचे एक नया पेज ओपन हो जाएगा, इंस्टॉलेट का और नॉट इंस्टॉलेट का। डायरेक्टली आपको नॉट इंस्टॉलेट पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहां पर आपके फोन में वो सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे जो आप अपने फोन में कभी ना कभी इंस्टॉल किए थे और उसे यूज किए थे। आप एक बार भी अपने फोन में उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं और डायरेक्टली उसे डिलीट करते हैं तो वो यहां पर आकर स्टोर हो जाता है और आपके फोन का जो स्टोरेज है बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। यहां पर आप देख सकते हैं कितने सारे एप्लीकेशन है। आप अगर अपने फोन को 5 साल 6 साल से यूज कर रहे होंगे तो आप समझ ही सकते हैं कि आपके फोन में कितने सारे एप्लीकेशन होंगे, क्योंकि हम अपने फोन में बहुत सारे एप्लीकेशन रखते हैं, 50-60 एप्लीकेशन रखते हैं, उसमें से बहुत सारे हम डिलीट भी कर देते हैं। वैसे हम डिलीट करने के बाद ये सारे एप्लीकेशन प्ले स्टोर में स्टोर हो जाता है। यहां पर देख सकते हैं बहुत सारे यहां पर एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे, आप अपने फोन में एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं, तो डायरेक्टली आपको करना क्या है, इस एप्लीकेशन में डायरेक्टली आपको यहां पर टैप करना है, जो यहां पर देख सकते हैं एक बॉक्स मिलेगा, डायरेक्टली आपको उस पर ग्रीन टिक करना है। ग्रीन टिक करने के बाद ऊपर में आपको देख सकते हैं डिलीट का ऑप्शन मिला है और यहां पर आप देख सकते हैं मेरे फोन में 509 MB खाली हो रहा है, देख सकते हैं। और ज्यादा मैं अपने फोन में एप्लीकेशन भी यहां पर सिलेक्ट नहीं किया हूं, डायरेक्टली आपको यहां पर डिलीट पर प्रेस करना है और यहां से आपको रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद आपके फोन में 509 MB जो है वो स्टोरेज ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर आपके फोन में जितने भी एप्लीकेशन है वो यहां पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहां पर बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे जो आप अपने फोन में कभी ना कभी इंस्टॉल किए थे। अगर मैं यहां पर पूरा डिलीट करने गया ना तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, तो आप अपने फोन में देख लीजिएगा, उसके बाद सारे को यहां से आपको डिलीट करना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर अब हम बात करेंगे सिक्वेंस सेटिंग्स के बारे में। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, डायरेक्टली आपको बैक चले आना है और यहां पर आपको जो प्रोफाइल का ऑप्शन है डायरेक्टली आपको प्रोफाइल पर टैप करना है, ठीक है। टैप करने के बाद यहां पर आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, तो डायरेक्टली आपको सेटिंग पर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहां पर आपको सेकेंड नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है नेटवर्क प्रिफरेंस। यहां पर आप देख सकते हैं डायरेक्टली आपको नेटवर्क प्रिफरेंस के अंदर जाना है। यहां पर आपको एक सेटिंग्स मिलेगा जिसका नाम है
ऑटो अपडेट ऐप, यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्टली आपको ऑटो अपडेट ऐप पर टैप करना है और यहाँ पर जो आपका सेट होता है वो होता है ओवर एनी नेटवर्क। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, डोंट ऑटो अपडेट ऐप, इस पर आपको सेट कर और यहाँ से डन करना है। ये मैंने आपको किस लिए बताया, जैसे कि आप अपने फोन में 50-60 एप्लीकेशन रखते हैं, ठीक है, और जाहिर सी बात है कि पर डे एक नए एप्लीकेशन का अपडेट आते रहता है और आपके फोन का जो स्टोरेज है बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रूफ देता हूँ, डायरेक्टली देखिएगा, जैसे मैं यहाँ पर व्हाट्सएप पर टैप किया, टैप करने के बाद ऐप इंफॉर्मेशन के अंदर गया, देख सकते हैं स्टोरेज, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे फोन का जो व्हाट्सएप है कितना ज्यादा स्टोरेज कंज्यूम करके रखा है। ज्यादा एमबी का व्हाट्सएप होता नहीं है, सिर्फ 40-50 एमबी का होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देख सकते हैं 1.5 GB मेरे फोन का स्टोरेज ये कंज्यूम कर रखा है। क्योंकि आप अपने फोन में जितने भी एप्लीकेशन रखते हैं और जितना उसे अपडेट करते हैं वो उतना बड़ा साइज का हो जाता है और आपके फोन के स्टोरेज को बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है। क्योंकि हम अपने फोन में बहुत सारे एप्लीकेशन रखते हैं लेकिन हमें सबको अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन क्या होता है कि अगर आप ऑटो अपडेट पे रखते हैं तो ऑटोमेटिक ही अपडेट हो जाता है और आपको पता नहीं चलता कि कौन सा एप्लीकेशन का अपडेट आया है, कौन सा एप्लीकेशन का अपडेट नहीं आया है। वैसे में आपके फोन में सारे एप्लीकेशन जो है अपडेट हो जाते हैं और आपके फोन का जो स्टोरेज है सारा का सारा कंज्यूम हो जाता है। तो आप अपने फोन के प्ले स्टोर में डोंट ऑटो अपडेट को सेट करके रखिएगा, ठीक है। ऑटो अपडेट ऐप पे ओवर एनी नेटवर्क कभी नहीं रखिएगा, यहाँ पर आपको डोंट ऑटो अपडेट ऐप पर ही सेट कर रखना चाहिए। इससे आपके फोन का इंटरनेट भी बचेगा और स्टोरेज भी जल्दी भरेगा नहीं। ये दो सेटिंग से आप अपने फोन के स्टोरेज को 50% तक खाली कर सकते हैं। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल साबित हो, तो वीडियो को लाइक कर दे, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब के लिए जय हिंद, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।